खालवे की बात के बाद ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई सारी बात, सिर्फ एक चीज़ यह करना चाहता हूँ कि ये गुमान था लोगों के वो कि भाई जो हमारा एमक्यूएम का ज़माना था, मेरे ज़माने का जो एमक्यूएम ज़माना का ज़माना था, उसमें भी भाई हमें मुशरफ साहब बहुत पैसे दे देते दे, तो काम हो गया तो क्या बड़ी बात है। तो सारे पैसे 5 सालों के मिला के ये अलग बात है कि किसने पे वो 300 अरब रुपए टोटल, इधर जो है वो 22,000 अरब रुपए। तो अगर पैसों से सिर्फ काम होना होता तो अभी तो 15 सालों की हुक्मरानी के बाद कराची में कोई एक टुकड़ा ऐसा नहीं बचा होता जहां पर हर मसले हल हो चुके होते। और अभी जब इलेक्शन कैंपेन के लिए एमक्यूएम अगर जम नहीं हो चुकी हुई होती काम के जरिए पीपल्स पार्टी के अंदर, हम निकलते तो हमें लोग कहते कि भाई आप चाय पीजिए और घर जाइए, काम हमारा सारा 15 सालों में पीपल्स पार्टी ने कर दिया। 15 साल कोई एक जगह गली ऐसी नहीं बचती। हमें कहते भाई थैंक यू वेरी मच, आप सियासत कर रहे हैं करते रहे, लेकिन हम वोट आपको नहीं देंगे क्योंकि काम हमारा सारा पीपल्स पार्टी ने कर दिया। एक गली ऐसी नहीं है हमारे पूरे शहर में कहें कि जहां खड़े हो और मजमा ना लगे, और मजमा उम्मीद से आपकी तरफ हमारी तरफ फरियादें कर रहा है कि भाई खुदा के वास्ते हमें बचाओ खुदा। ऐसा लगता है कि इसराइल बमबारी फलस्तीन में नहीं कर रहा, कराची में कर रहा है, सिंध में कर रहा है। हर गली तबाह हाल है, हर यूसी तबाह हाल है। 22,000 अरब रुपए खर्च करके 15 सालों में आज पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में घूम घूम कर एक यूनियन काउंसिल मॉडल नहीं बता सकती, एक यूसी के पाकिस्तान वालों हमें ये देखो एक यूसी बनाई हमने जहां पर पीने का पानी आता हो, सेवरेज का पानी घर से बाहर जाता हो, रात में लाइट हो, सुबह गैस हो, सड़क कोई टूटी हुई ना हो, यहां पर अस्पताल वहां पर अस्पताल में दवा हो, स्कूल में दवाएं हो, स्कूल में तालीम हो। एक यूसी का नहीं है कि जिसको दिखाकर पूरे पाकिस्तान से वोट मांग सके। और जब बात करो, जब इनसे ये बात करो, सवाल करो, तो चूंकि वडेरे हैं, जागीरदाराना ज़हनियत है, तो फिर हमारे कारकुनों को शहीद कर रहे हैं, मार रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे, गोलियां चला रहे। दूसरी बात ये है कि ये जो मेयर साहब है इनको 1.5 साल का अरसा तो ये हो गया, 1.5 साल का अरसा हो गया ये वाला, और इससे पहले 2.5 साल एडमिनिस्ट्रेटर रहे, तो इनका कोई पहला साल नहीं है। 3 साल में एमक्यूएम के दौर का मेयर वो दुनिया के बेस्ट मेयर में कंसीडर किया जाने लगा था, जब जिसके साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं थी, जिस एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, जिस मेयर के साथ सूबाई हुकूमत उसकी अपनी खड़ी हो, अल्लाह अकबर, उसके पास काम करने के जराए। वो एमक्यूएम उस जमाने की एमक्यूएम, हमने जमीन तो जमीन, हमने समुंदर में पानी की लाइनें डालकर जजीरों पे पानी की लाइनें पहुंचाई हैं, समुंदर में हमने उस जमाने की एमक्यूएम ने। आज लियारी में जो पीपल्स पार्टी के वोटर अगर रह गए हैं, वो जो पानी पी रहे हैं, वो आज एमक्यूएम के दौर के एमक्यूएम के नाजिम का मेयर के दिए हुए दायित्व से पानी पी रहे हैं। आप सब लोग गवाह हैं, लियारी एक्सप्रेस वे की बेड में पानी की लाइन डालकर लियारी में पानी पहुंचाया, औरंगी में, बल्दिया टाउन में। तो इतना पैसा 22,000 अरब रुपए ये बहुत होते हैं, 300 अरब रुपए का भाई। तो ये जो मिथ है, वो मिथ जो है वो कल खत्म हो गई कि पैसे आए थे तो काम हुआ था, और ये पैसे यहाँ नहीं है तो उससे काम, तो ये लोगों को पता चल गया कि भाई आप किसी करप्ट सिस्टम को या करप्ट मेयर को जितने ज्यादा पैसे दोगे उतना बड़ा करप्ट हो जाएगा, उससे काम नहीं होगा। मोर मनी विल मेक हिम मोर करप्ट, और मोर द सिस्टम जो ये है उसको और ज्यादा करप्ट कर देगा। और यहां पर बात होती है कि अभी एड चल रहे हैं कि अस्पताल बनाए बहुत, अभी आप सब लोग गवाह हैं कि सिंध में माए बेचारी जो है वो जिनको जच्चगी की आदत आलम में अस्पतालों के फ्लोर पर जो है वो बच्चों को जन्म दे रही है, बेड नहीं है, रिक्शे में डिलीवरीज हो रही है, बेड नहीं है। आप तस्वीरें हैं कि भाई जो है वो
वार्ड के अंदर कुत्ते घूम रहे हैं, है? आप हमारी सिंधी लैंग्वेज अखबार अखबारात के में नाम मिला, आप अखबार उठाओ, एक कॉलम एक एक वन क्वार्टर पीछे बैक पेज पे खबर छपती है सिर्फ कुत्ते के काटे हुए लोगों की। पता है आपको रोजाना 70 से 80 केसेस है जो रिपोर्ट हो रहे हैं, एक वक्त एक 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 वन क्वार्टर ऑफ द पेज जो कुत्ते के काटने, जो सिंध में कुत्ते काट रहे हैं बच्चों को, उनकी सिर्फ खबर है 70 से 80 बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं, और जो वो उसके बचाव की वैक्सीनेशन नहीं है, वहां से उनके बच्चों के माँ बाप सफर शुरू करते हैं, हैदराबाद आते हैं, वहां से फिर कराची आते, कई बच्चों के रास्ते में डेथ हो जाती है, और आप चला रहे हैं बड़ा आपने जो है वो ऐसा अस्पताल बना लिया है कि सिंध से अब कोई बाहर इलाज करने जा ही नहीं रहा। वो कह रहे हैं पाकिस्तान से लोग, कह रहे हैं पंजाब में भी बनाएंगे अस्पताल ऐसा जिससे बाहर नहीं जाना जरूर। तो भाई पंजाब वाले कहते हैं बाहर तो बाद में जाएंगे, जब तक अस्पताल नहीं बनता सिंध में आके इलाज करा लें, बहुत अच्छा अस्पताल है ना। तो जो लंदन की फ्लाइट है जो है वो सिंध के लिए आनी चाहिए, अमेरिका जाने वाले लंदन जाने वाले वो अब वहां पंजाब से वहां ना जाए, सिंध आ जाए इलाज कराने के लिए, मतलब पता जाएगा लग। तो ये कल जो हालात से गुजरा है शहर, शहर वालों को कहना चाहता हूं कि हम शायद सबसे अच्छे लोग नहीं होंगे, लेकिन इन सारे बुरों में सबसे कम बुरे हैं, और हमने अपनी बुराइयों को रोजाना की बुनियाद पर हमने खत्म कर दी है, और ये प्रूव हो गया कि एमक्यूएम से बेहतर इस शहर को कोई डिलीवर ना कर सका है, ना कर रहा है और ना कर सकेगा, हम ही हैं। और लोगों ने इस वाली बात का खैर फैसला दे दिया है, मैं तो उस वाली बात को रिट्रेट कर रहा हूं सर, बस लोगों ने 21 जनवरी को इस वाली बात का फैसला दे दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने फैसला दे दिया, हर जगह फैसला दे दिया है। और ये आज मैं कराची वालों को इस बारिश के बाद आपको मैं आवाज लगा के कहना चाहता हूं खालिद भाई की इजाजत से कि 8 फरवरी को हम अपनी प्रोविंशियल असेंबली की और नेशनल असेंबली की सीनियर सीटें लेंगे, और इंशाल्लाह ताला जीतने के फौरन बाद हम इस मेयरशिप को भी फारिग करेंगे, इंशाल्लाह ताला हम अपनी जो है वो मेयरशिप भी वापस लेंगे, और ये जाली मेयर को हम और ये निजाम को हम 4 साल अपने ऊपर मुसलत नहीं देंगे। एक दफा ये एमक्यूएम ये मैंडेट ले, हम ये बल्दियाती निजाम का खात्मा करवाएंगे, अगर लीगल तरीके से नहीं हुआ रोड पर आकर खात्मा करवाएंगे, ये 4 सालों तक इनको हम मुसलत नहीं रहने देंगे। ये मैं आज कराची वालों को सिंध वालों को नहीं दे रहा हूं इस वाली बात की, बिल्कुल इसके बाद की स्ट्रगल जो है वो इनको घर भेजने की, इनको हम अपने ऊपर अगले 3 साल तक बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये जाली मैंडेट लेकर हम पर मुसलत है, हम इनको अपने लोगों के ऊपर मुसलत नहीं रहने देंगे। इंशाल्लाह ताला पहला फरीजा अंजाम हो जाए 8 फरवरी को, और उसके फौरन बाद जो है वो ये तमाम MNA MPs और तमाम ये पार्टी मिलकर इंशाल्लाह ताला शहर भी इनके कब्जे से वापस देंगे। शुक्रिया।